अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास, उम्मीद है आप सब घर में खैरियत से होंगे। बेटा मेरा नाम फरहान अहमद है। ऑनलाइन लेक्चर्स के लिए हमारे जो क्लास 10 फिजिक्स का जो चैप्टर चल रहा है वो है बेटा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, चलिए हम उनसे स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर नंबर 1 है। इसमें आज हम पढ़ेंगे पहले कि इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या है और इसका वेटेज क्या है। ठीक है, वेटेज का मतलब ये है कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर कितने मार्क्स का पूछा जाता है। चैप्टर का नाम है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। देखिए बेटा, याद रहे चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव, इन दोनों से रिलेटेड फिजिक्स में काफी स्टडी है। ठीक है, अगर तो चार्जेस की रेस्ट कंडीशन में स्टडी होती है तो उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। इस तरीके से अगर हम उस चार्ज के प्रोडक्शन की बात करते हैं तो यही आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी जिक्र आ जाता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी हम इसका जिक्र करते हैं, अगर वो चार्जेस मोशन में हो किसी कंडक्टर के अंदर। इसी तरीके से चार्जेस से रिलेटेड एक स्टडी ये भी है कि चार्ज को हमने बेटा कंट्रोल करना होता है, इलेक्ट्रॉन्स को हमने कंट्रोल करना होता है डिफरेंट डिवाइसेस को इस्तेमाल करके, ताकि हम अपनी जिंदगी में मुख्य किस्म के काम कर सके। अच्छा, ये हमारे इस चैप्टर के टाइटल का आपको मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया। मजीद ये कि इसके अंदर आप लोगों ने बहुत ही बेसिक डेफिनेशन पढ़नी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स की हमने यहाँ पर इंट्रोडक्शन कर लिया, थर्मायनिक मिशन क्या होता है, फिर उसके बाद आपका आपने केमिस्ट्री में भी ये टॉपिक पढ़ा था, इन्वेस्टिगेशन द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की आपने प्रॉपर्टीज के बारे में बताना है। ठीक है, फिजिक्स में भी है, बहुत आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। फिर इसके बाद हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सीआरओ के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। हम लोगों ने क्वांटिटीज के बारे में पढ़ना है, एनालॉग क्वांटिटी क्या होती है, डिजिटल क्या होती है, इनको कन्वर्ट कैसे किया जाता है। मजीद ये कि इसके बाद हमने लॉजिकल ऑपरेशन पढ़ने हैं। ठीक है, आप लोगों ने 9th कंप्यूटर की बुक में भी बूलियन एलजेब्रा, बूलियन जो वेरिएबल से रिलेटेड जो आपने कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए थे फिजिक्स में, बेटा सेम वैसे ही है। ठीक है, इसमें हमारे मुख्य किस्म के गेट्स आएंगे, ऑपरेशन आएंगे, आपको सारे क्लियर करेंगे। बेटा बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जी। ये जो इंट्रोडक्शन था, आप वेटेज की बात करते हैं। जो आपका बोर्ड का पेपर है उसमें जो पार्ट 3 बनता है शॉर्ट क्वेश्चन का, अगर तो इस चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चन ना आए तो यहाँ से डेफिनेटली आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं बेटे, याद रहे। 2 शॉर्ट क्वेश्चन अगर हम जेहन में रखें तो 4 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन हो गए और 1 MCQ। ठीक है, मजीद इसके अलावा अगर तो लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि पिछले कोई 1 या 2 या 3 साल से इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आएंगे यहाँ पे। तो मैक्सिमम जो इसके मार्क्स बन रहे हैं वो 4 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन है, मतलब 2 शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे, 1 MCQ और पॉसिबली 1 लॉन्ग क्वेश्चन 4 नंबर का। तो ये टोटल आपके 9 मार्क्स का पेपर पूछा जा सकता है, पॉसिबली 10 भी हो जाए, 11 भी हो सकता है, वो नंबर ऑफ एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन पर डिपेंड करता है जी। बेटा काफी लोग ना स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ये इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या? देखिए जी, एक हमारी रोजमर्रा जिंदगी का एक मुशाहिदा है कि अगर हमारा टेलीविजन खराब हो जाता है या हमारा रिमोट कंट्रोल टेलीविजन का रिमोट कंट्रोल वो खराब हो जाता है या हमारा मोबाइल फोन खराब हो जाता है, तो हम उस मोबाइल फोन को या इन तमाम डिवाइसेस को उस बंदे के पास नहीं लेके जाते जो कि फैन की वाइंडिंग करता है या फैन के ऊपर काम करता है या घर की वायरिंग करता है। ठीक है, इसी तरीके का कार से अगर आपका जो टेप रिकॉर्डर है या आपके कोई भी आपके जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं अगर वो ख़राब हो जाते हैं तो आप किसी इलेक्ट्रीशियन के पास नहीं लेके जाते, बल्कि उसे इलेक्ट्रॉनिक्स के इंजीनियर के पास या ऐसे शख्स के पास जो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड बंदा हो, क्योंकि उसके बाद आप उसकी जो है रिपेयर के लिए लेके जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या बेटा? इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो फिजिक्स की वो ब्रांच है जो कि इलेक्ट्रॉन्स के कंट्रोल के लिए, ठीक है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की मोशन को कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ डिवाइसेस को इस्तेमाल करके हम लोग इसको पढ़ते हैं। अच्छा, अब हमारी डेली लाइफ में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से या इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें हैं बेटा? आपके घर में आपका जो LCD है या आपका मोबाइल फोन है, इस तरीके का से आपके जो रिमोट कंट्रोल्स हैं, ये ज़्यादातर आपकी जो चीज़ें मैंने आपको गिनवाई हैं ये सारी की सारी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पर मुश्तमिल है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है चूँकि तो इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सेमीकंडक्टर्स का भी जिक्र होना चाहिए था, आपके बुक में नहीं है, लेकिन जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो उसमें सेमीकंडक्टर का जिक्र ही करेंगे आप जी। द ब्रांच ऑफ अप्लाइड फिजिक्स की वो ब्रांच विच डील्स विद द कंट्रोल ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यूजिंग डिफरेंट डिवाइसेस फॉर वेरियस यूजफुल पर्पजेस जी। ये डेफिनेशन है जी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है थर्म आयनिक एमिशन। जरा आप वर्ड को गौर से देखें, थर्म आयनिक एमिशन,
हरमायनी मिशन में धर्म का क्या मतलब होता है? धर्म का मतलब होता है ठीक, आयोनिक आयंस फॉर्मेशन, ठीक है, आयंस बनने का अमल, आयंस फॉर्मेशन। एमिशन का मतलब है स्केपिंग, इखराज। तो एक ऐसा प्रोसेस जो किसी भी मटेरियल को हीट करने से उसमें मौजूद आयंस या चार्जेस को स्केप करवाना, खारिज करवाना, इसे हम कहते हैं थर्मायनिक एमिशन। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, थर्मायनिक एमिशन प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम आमतौर जिसमें हम आमतौर पर उस मटेरियल को हीट अप करते हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, जैसे कि मेटल, ठीक है जी, मेटल्स हैं। अब आप मेटल को आमतौर पर जब हीट अप करते हैं इसको, अच्छा इसको हीट करने के भी डिफरेंट तरीकेकार है। इसको जो हीट करना है हमने वो इलेक्ट्रिकल वे में, यानी कि इसके गिर्द आपने वायर लगाकर इसे प्रॉपर किसी बैटरी के साथ, एसआई के साथ आपने इसको जोड़ देना है। तो ये आपका इलेक्ट्रिकल वे है कि आप इसको करंट प्रोवाइड करके इसके अंदर हीट अप करेंगे। तो थर्मायनिक एमिशन प्रोसेस इज द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड बाय द हॉट मेटल सरफेस। मतलब इलेक्ट्रॉन्स की जो एमिशन है हॉट मेटल सरफेस से, इलेक्ट्रॉन्स की एमिशन, द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये तो डेफिनेशन आ गई, द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हॉट मेटल सरफेस, हॉट मेटल सरफेस इज कॉल्ड थर्मायनिक एमिशन, ठीक है। अच्छा, ये जो आपका जो प्रोसेस है ये बेसिकली आपने केमिस्ट्री में बेटर 9 क्लास में पढ़ लिया था, जे जे थॉमसन और बी एम ब्रूस के तजुर्बा थे, ठीक है, आपने चैप्टर 2 या 3 के भाग आपने क्लियर कर लिया था कि उसमें क्या प्रोसेस था कि हमने एक फिलामेंट को, ठीक है, एक टंगस्टन से बना हुआ फिलामेंट को, ठीक है, आमतौर पर ये एक स्प्रिंग की तरह का आपको नजर आता है आपके बल्ब के अंदर, ठीक है। इस फिलामेंट को आपने इलेक्ट्रिकली हीट करना है, आपने इसको इसके गिर पोटेंशियल डिफरेंस या बैटरी लगानी है। जब आप इसके गिर बैटरी लगाएंगे तो बेटा ये गर्म हो जाएगा, गर्म होने पर क्या होगा, ये मटेरियल अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की जो एमिशन है हॉट मेटल सरफेस से, इसे हम कहते हैं थर्मायनिक एमिशन प्रोसेस, ठीक है। आपके इस टेक्स्ट बुक के ऊपर कुछ हिस्टोरिकल डिस्कशन भी है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आप लाजमी इसकी रीडिंग लीजिएगा। अच्छा, अब इसके लिए जो टिपिकल वैल्यू है इस काम के लिए, जो एक टिपिकल वैल्यू ली जाती है वोल्टेज, मतलब आपने वोल्टेज कितना रखना है यहाँ पर, और वो ये वोल्टेज 3 वोल्ट का, और इसका जो करंट होगा वो 6 वोल्ट का, सॉरी 6 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, और जो करंट होगा वो 0.3 एम्पेयर, ये इसके लिए टिपिकल वैल्यू है, ठीक है। मतलब आपने जो बैटरी यूज करनी है उसका करंट कितना हो 0.3 एम्पेयर, और वो कितने वोल्ट की हो 6 वोल्ट की हो। तो अगर आप इस टिपिकल वैल्यू VI को यूज करते हैं अपने किसी भी मेटल सरफेस के लिए, तो वो मेटल सरफेस अपने प्रॉपर्टीज के लिहाज से, अपने बॉन्ड के लिहाज से फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बेटा वो रिलीज करेगा। अच्छा, ये था बेटा ये आपका टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक है इन्वेस्टिगेशन द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम। अब हमने ये देखना है कि किसी भी सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन्स स्केप हुए हैं, ठीक है, स्केप इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो स्केप इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन इलेक्ट्रॉन की हमने प्रॉपर्टीज को पढ़ना है। सबसे पहली बात ये है कि ये इलेक्ट्रॉन बीम बनाए कहाँ जाते हैं। बेटा ये इलेक्ट्रॉन बीम इलेक्ट्रॉन गन में बनाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन गन क्या है? इलेक्ट्रॉन गन एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रॉन्स को थर्मायनिक एमिशन प्रोसेस से, थर्मायनिक एमिशन प्रोसेस से प्रॉपर वो उसको बनाता है, और उसकी एक फाइन बीम बनाकर उसे हम लोग मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन गन एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रॉन्स की बीम को जनरेट करता है, ठीक है। उसकी प्रॉपर डायग्राम आपके टेक्स्ट ऊपर मौजूद है, बेटा आप देखेंगे जी। हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब आप ये देखें कि एक इलेक्ट्रॉन गन के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स की एक बीम बना दी गई है, ठीक है। अब हमने उस बीम को इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टडी करना है कि आया कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या, प्रॉपर्टी का मतलब ये कि उसके ऊपर किस किस्म का चार्ज है।
आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, यही तजुर्बा आपको विलियम ब्रूक्स और जे.जे. थॉमसन का पढ़ चुके हैं, ठीक है। और हम किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में भी, जैसे मैंने आपके सामने यू शेप एक मैग्नेट बना दिया है, ठीक है, इसके तहत हम इसकी प्रॉपर्टीज का जिक्र करेंगे। जी, इलेक्ट्रॉन गन से पैदा होने वाले इलेक्ट्रॉन बीम को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजारा गया तो बेटा देखा ये गया कि ये इलेक्ट्रॉन बीम पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई थी, ठीक है जी। डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन झुकाओ, डिफ्लेक्शन थ्रू पॉजिटिव प्लेट, ठीक है, ये वो इलेक्ट्रॉन बीम है जिसे हम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन गन से जनरेट किया। हमने इस इलेक्ट्रॉन बीम को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, यानी कि पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट के दरमियान से गुजारा, ठीक है। तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो इलेक्ट्रॉन बीम है ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट कर रही है, झुक रही है। इससे क्या आप ऑब्जर्वेशन लेते हैं बेटा? इससे आपको ऑब्जर्वेशन ये होता है कि चूंकि इसकी डिफ्लेक्शन पॉजिटिव प्लेट की तरफ है, इसका मतलब ये है कि ये नेगेटिव चार्ज कैरियर है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज कैरियर। ऑब्वियसली ये नेगेटिव चार्ज है तभी तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हुई है और नेगेटिव प्लेट से रिपेल हुई है, ठीक है। जैसे कि लाइक चार्जेस होते हैं, दो पॉजिटिव चार्जेस हो तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दो नेगेटिव चार्जेस हो तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। लेकिन एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट पर, एक पर पॉजिटिव और एक पर नेगेटिव हो, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे सेम इस तरीके का से। ये बीम जो है पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट कर चुकी है। तो बेटा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की इसकी प्रॉपर्टी निकाली, ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने ये फाइंड आउट की कि जब इलेक्ट्रॉन बीम को इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजारा जाता है तो वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ झुकती है। एक चीज और देखें, ये जो पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट आपके सामने नजर आ रही है, इनके दरमियान में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है, जिसका जिक्र चैप्टर नंबर 13 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट के दरमियान में एक फील्ड होता है, एक मैदान होता है, ठीक है, इसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ये फील्ड जितना स्ट्रांग होगा ये डिफ्लेक्शन उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिफ्लेक्शन एंगल, मतलब किस जाविये से ये मुड़ रहा है, ठीक है, ये किस एंगल से मुड़ रहा है, ये जो एंगल होगा ये एंगल इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा स्ट्रांग ये फील्ड होगा, मतलब आप ये फील्ड के ऊपर चार्जेस बढ़ा दें तो फील्ड स्ट्रांग हो जाएगा, तो डिफ्लेक्शन एंगल भी बढ़ जाएगा। जी, अब हम चलते हैं जी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसकी स्टडी करते हैं। जी, मैग्नेटिक फील्ड में सेम वही जैसे कि हम लोगों ने पहले किया था कि अब ये इलेक्ट्रॉन बीम, मतलब एक फाइन बीम जो बन चुकी है, उससे हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में से गुजारना है। जैसे हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में गुजारते हैं, हमने ये ऑब्जर्व किया कि ये इलेक्ट्रॉन बीम एक मैग्नेट के नॉर्थ पोल की जानिब डिफ्लेक्ट होती है। जिस तरह यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट की जानिब डिफ्लेक्शन हो रही थी और यहाँ पर नॉर्थ पोल की जानिब बेटा डिफ्लेक्शन हो रही है। तो नॉर्थ पोल से डिफ्लेक्शन, नॉर्थ पोल की जानिब डिफ्लेक्शन का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन बीम नॉर्थ पोल के लिए अट्रैक्शन और साउथ पोल से रिपल्शन की प्रॉपर्टी रखती है। जी, जितना ज्यादा ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा ये डिफ्लेक्शन एंगल भी उतना ही ज्यादा होगा, यानी कि दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। अगर आप इस मैग्नेट को पकड़ के घुमाएंगे ऐसे, तो जैसे आप इसको घुमा रहे होंगे, अगर फर्ज करें कि ये जो बोर मार्कर है ये इलेक्ट्रॉन बीम है और ये मेरी ऊपर वाली जो उंगलियां हैं ये नॉर्थ पोल है, अगर मैं इसको घुमाऊंगा तो ये इलेक्ट्रॉन बीम भी इसके साथ साथ घूमने लग जाएगी। तो यही आपने ऑब्जर्वेशन आप अक्सर अपने टेलीविजन में, जो आपके फिल्मी टेलीविजन होते हैं, कभी अगर आप उसके ऊपर मैग्नेट रख देते हैं तो आप देखेंगे कि उस टेलीविजन की स्क्रीन के ऊपर आपको डिफरेंट प्राइमरी कलर्स, मतलब आपको रेड ग्रीन या कोई भी कलर, ब्लू कलर आपको नजर आना शुरू हो जाता है। उसकी वजह ये होती है क्योंकि वो जो अंदर इलेक्ट्रॉन बीम यूज हो रही होती है बेटा, वो उस मैग्नेट की वजह से डिफ्लेक्शन दशकार हो जाती है, ठीक है, और जिसकी वजह से आपको प्राइमरी कलर्स नजर आते हैं। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, खासतौर पर ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद ये जो आपका टॉपिक था, ठीक है, एक्सप्लेन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम, ठीक है, जिसे हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन गन के जरिए पैदा किया था, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। लेक्चर के अंदर आपने तमाम चीजें आपने गौर से देखनी है, आपका जो आपको असाइनमेंट्स दी जाएंगे स्कूल की तरफ से, आपने फॉरन मीटर्स को कलेक्ट करनी है और एक स्पेसिफिक डेट के ऊपर आपने इसको रिटर्न भी करनी है, ताकि मैं उसको चेक करूं और आप लोगों की प्रेजेंटेशन के ऊपर, किताब के ऊपर काम किया जाए, ठीक है, और सारी चीज़ों को आपको प्रॉपर मैंने इसको क्लियर करके आपको बताया जाए। थैंक यू वेरी मच।